की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की कोरोना वायरस वैक्सीन से दुनिया भर को उम्मीद है। दुनिया में अभी जितनी भी वैक्सीन पर काम चल रहा है उनमें ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन को महत्वपूर्ण समझा जा रहा है। इस वैक्सीन के भारत में उत्पादन के लिए सीरम इंस्टीट्यूट को पहले ही अनुमति मिल चुकी है। तो वहीं अब खबर आई है कि भारत सरकार सीरम इंस्टीट्यूट के वैक्सीन की खरीद करेगी और लोगों को मुफ्त में देगी। सीरम इंस्टीट्यूट को दुनिया की सबसे बड़ी वैक्सीन उत्पादक संस्था कहा जाता है। सीरम इंस्टीट्यूट न सिर्फ ऑक्सफोर्ड की कोरोना वैक्सीन बल्कि कई अन्य वैक्सीन कैंडिडेट का उत्पादन कर रही है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी वाली कोरोना वैक्सीन का भारत में उत्पादन कोविशील्ड के नाम से होगा। बता दें, बिजनेस टुडे में छपी पीबी जयकुमार की रिपोर्ट के मुताबिक भारत सरकार ने संकेत दिया है कि वह सीरम इंस्टीट्यूट से सीधे वैक्सीन खरीदेगी। जी हां, सरकार ऐसी योजना बना रही है जिससे ये वैक्सीन लोगों को मुफ्त में मिलेगी। सरकार ने सीरम इंस्टीट्यूट से अगले साल जून तक 68 करोड़ डोज की मांग की है। सरकार इस वैक्सीन का ट्रायल तेजी से पूरा करने को मंजूरी दे चुकी है। वैक्सीन सफल घोषित होने पर लोगों को राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम के तहत मुफ्त में वैक्सीन दी जाएगी। बता दें कि ऑक्सफोर्ड की कोरोना वैक्सीन के उत्पादन का अधिकार एस्ट्राजेनेका कंपनी को है। एस्ट्राजेनेका कंपनी के साथ ही सीरम इंस्टीट्यूट ने करार किया है। इस करार के तहत सीरम इंस्टीट्यूट न सिर्फ भारत बल्कि 92 देशों में वैक्सीन की सप्लाई कर सकती है। दोस्तों, आपको इस बारे में क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो जाने से पहले इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ डेली ट्रेंडिंग न्यूज की रिपोर्ट। सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।